फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी हेल्दी केक, जो है सूजी और मैंगो से बनकर तैयार होता है। बहुत ही डिलीशियस बनता है और हेल्दी भी है, क्योंकि इसे हम सूजी से बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तैयार लिया है मैंने, अब इसमें डालेंगे सूजी। अगर आपके पास सूजी बारीक भी है तब भी आपको इसे ग्राइंड ही करना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब ली है सूजी और उसे एक बार ग्राइंड कर लिया है। तो एकदम बहुत ही इसका महीन सा, देखिए, पाउडर सा बनकर रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैंगो। तो मैंगो को भी हम एक ब्लेंडर जार में डाल देंगे और साथ में इसके डालेंगे 1/2 कप चीनी। तो इन दोनों चीज़ों को हमें पीस लेना है, तो इन्हें भी ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मैंगो पल्प बनकर रेडी हो गया है। तो एक बॉल लेंगे, तो उसमें हम ट्रांसफर कर देंगे ये मैंगो पल्प जो हमने ग्राइंड करके रखा है, मैंगो और चीनी को। अब इसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, तो मैंने कुकिंग ऑयल यानी कि रिफाइंड का यूज किया है। और अब इसमें डाल देंगे ग्राइंड की हुई सूजी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए इसके अंदर। तो देखिए, इसे मैंने बहुत ही अच्छे से विस्क कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप के करीब दूध और दूध डालकर इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ठीक नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा रनिंग ही चाहिए, लेकिन सूजी है तो सूजी को भी दूध को एब्जॉर्ब करेगी, इसमें काफ़ी थिकनेस आ जाएगी। तो इसे हमें रेस्ट करने के लिए रखना है, ताकि जितना भी इसको दूध एब्जॉर्ब करना है, सूजी को फूलना है, वो फूल जाए। तो इसके लिए इसे 1/2 घंटा हम आराम से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो तब तक हम इसका जो है बेकिंग डिश उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे टिन में मैंने ग्रीस कर लिया है कुकिंग ऑयल को और इसमें मैंने आटा लगाया है। मैदा जो है उसका यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे को डस्ट कर दिया है सारे कंटेनर पे अच्छे से। तो अब 1/2 घंटे के बाद इसे मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ। तो अब इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर। तो इसमें मैं बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो 1 चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर का और इसमें थोड़ा सा ऊपर से डाला है दूध, यानी कि 2 चम्मच के करीब दूध लिया है। और अब इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है, ओवर मिक्स नहीं करना है। जब हम बेकिंग पाउडर को डालते हैं, जस्ट उसे अच्छे से मिक्स करना है, ताकि सारे जो है मटेरियल में अच्छे से बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे कट एंड फोल्ड के मेथड से इसे इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसे हमें कर देना है टिन के अंदर ट्रांसफ़र। तो सारा जो है मटेरियल से हम इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो आप अगर इसमें कोई फ्रूट डाल, आप या इसके अंदर मैंगो के चंक्स भी डाल सकते हैं, तो मैंने वो नहीं डाले हैं। तो इसे एक बार से टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स हैं वो रिलीज़ हो जाएं। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं। आप, मैंने जैसे बताया कि आप मैंगो चंक्स भी लगा सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट लगा दिया है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। आप चाहे तो इसे ओवन में भी बना सकते हैं। तो इसे प्री हीट करके रखा था। अब इसे हम बेक करेंगे 40 से 45 मिनट के बीच में। तो यहाँ पे देखिए, एक बार मैं यहाँ पे चेक कर रही थी तो हल्का सा मेरा जो है केक नहीं पका था। फिर इसके मैंने 10 मिनट के लिए और रखा था। तो उसके बाद यानी कि मेरे को 45 मिनट लग गए थे इसे बेक करने में। तो ये हमारा केक बनकर रेडी हो गया और इसे मैंने ठंडा करने के बाद डीमोल्ड कर लिया। तो केक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका, आप देख सकते हैं, बहुत यमी बनकर तैयार होता है। तो ये रहा मैंगो और सूजी केक। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रेसिपी अच्छी लगी, इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।